शहडोल के बहुचर्चित करगटी दोहरे हत्याकांड में आखिरकार 3 साल बाद खुलासा हो गया। हत्या में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने 3 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। बात यह अलग है कि इस पूरे मामले में पुलिस 3 साल बाद किसी नतीजे पर पहुंची और अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी शहडोल की स्पेशल टीम ने इस मामले का पर्दाफाश किया है। दरअसल घटना 16 अगस्त 2018 की है, जिसमें गणेश बेगा और झुरू बेगा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हत्या लूट के उद्देश्य से की गई थी, जिसमें 15,000 नगद और सोने चांदी के जेवर भी शामिल थे। इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा आखिर 3 साल बाद हो ही गया। हत्या में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त हथियार और चोरी की सामग्री को भी जब्त कर लिया। एडीजी जी जनार्दन ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी कान्हा कचरे, लल्ला उर्फ दयाराम बेगा, नसीम खान, पिंटू उर्फ मिथिलेश कुशवा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी आरोपी ग्राम करकटी थाना खेरा के रहने वाले हैं। एसपी शहडोल ने इन आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 131/2018 धारा 302-460 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ग्राइंड भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। थाना खेरा में 3 साल पहले 2 व्यक्तियों का जगह ने हत्या हुआ था। 3 साल बाद इसमें लगातार विवेचना तमाम प्रकार की थाना प्रभारी ने जांच की है। इसमें जो है कि नया पुलिस अधीक्षक की जो मार्गदर्शन में ये मामला का पर्दाफाश हुआ था। इसमें 4 आरोपी थे। चार आरोपी उसमें जो है कि उसको दोनों को हत्या करके जो है कि कैश और नकदी और जेवरात लूट किए थे। उस सभी चारों को जो है कि अरेस्ट किए और हत्या में उपयुक्त सभी सामान जब्त किया गया और राशि और सोना चांदी जो लूटे थे वो भी जब्त किया गया। इसमें ये सिद्ध होता है, इसमें लगातार मेहनत करके प्रकरण को पीछे पड़े रहने से जो है कि इस प्रकार के पुराना मामला भी खुल सकते हैं। जैसे कि कानून कहते हैं कि कानून का हाथ लंबे होते हैं, तो 3 साल बाद उस 2 व्यक्ति जो मरे हैं उसका न्याय दिलाने में हम सफल पाए हैं। इसका पूरा पुख्ता सबूत मिला है, सभी सबूतों के साथ प्रकरण को न्यायालय में पेश करेंगे, उन परिवारों को न्याय दिलाने को कोशिश करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।